तो क्या सीमा हैदर, जो सीमा हैदर दिखने वाली है, क्या वो पाकिस्तान की जासूस है, पाकिस्तान की एजेंट है? लोगों का तमाम सवाल, लोगों की तमाम बातें ये मीडिया पे इतनी तेजी से चल रही है और तेजी से वायरल हो रही है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? कोई बोल रहा है ISI का ये एक संगठन है, उससे ये ताल्लुक रखती है और हमारे हिंदुस्तान पे कुछ ना कुछ ये करने वाली है कि जो हमारा देश दहल जाएगा। तो तमाम तरह की न्यूज़ें, तमाम तरह की बातें आ रही है और सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है। इस समय प्रशासन छानबीन कर रही है, देखिए आगे क्या मिलता है कि सीमा हैदर वाकई में ये एक लव स्टोरी है पाकिस्तानी लड़की की, या ये एक हमारे देश पे एक आतंक, एक खतरा मंडरा रहा है। आइए देख रहे हैं आप लोग हमारा YouTube चैनल, और YouTube अपने चैनल पे दिखाता हूँ सच्ची घटना पे आधारित न्यूज और क्राइम जैसे शॉर्ट वीडियो। तो जी दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग को ऐसा मैं लेके आया हूँ कि इस समय नींद की सांस ले रही होंगी, यानी ज्योति मौर्य नींद की सांस ले रही होंगी, क्योंकि अभी तक इतनी सुर्खियों में व्हाट्सएप से लेके यूट्यूब से लेके SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की स्टोरी इतनी तेजी से वायरल हो रही थी कि पूछिए मत। लेकिन अब कहानी का एक मोड़ नया आ गया है, और कहानी का मोड़ आप लोगों को पता होगा यूट्यूब पे क्या इस समय यानी ज्योति मौर्य का पीछा छोड़ चुका है, और वो कौन सा न्यूज है, यानी वो न्यूज आ गया है सीमा हैदर और यानी सचिन की। जो सीमा हैदर पाकिस्तान से चलकर हमारे हिंदुस्तान में आई है 4 बच्चों को लेकर। तो जी दोस्तों, ये आप लोगों ने न्यूज़ जो सुन रही है एकदम हकीकत न्यूज है कि सीमा हैदर 4 बच्चों को यानी पाकिस्तान से चल के आई हैं हमारे हिंदुस्तान में, और वो भी क्या मामला है, यानी प्यार का मामला है। एक सचिन नाम के लड़के से यानी पबजी खेलते खेलते कई सालों पहले एक पबजी जो गेम होता है उस पबजी को खेल रहे थे, जिसमें सीमा हैदर और सचिन की उसमें दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाता है। जो सीमा हैदर है वो 4 लड़कों की माँ है, फिर भी वो क्या पता उनके अंदर क्या जुनून सवार होता है, क्या सचिन के अंदर देखती हैं कि कहती है कि मैं जीऊँगी तो सचिन के साथ और मरूंगी तो सचिन के साथ। और वो एक औरत बताइए, बॉर्डर पार करके यानी उनके पास 4 पासपोर्ट भी मिले हैं और शायद वीजा भी है 2, और ऐसे करके बताया जा रहा है कि मतलब वो नेपाल से, मतलब मानिए नेपाल के एरिया से, पाकिस्तान से जो आना होता है, नेपाल का बॉर्डर होता है, उस एरिया से वो रात में निकल के हिंदुस्तान में आ गई। अब हिंदुस्तान में आने के बाद मामला बहुत गंभीर बढ़ गया है, वहाँ पे मीडिया वालों की लाइन लग गई है। अभी तक तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के पीछे लोग भागते थे, लेकिन अब भाग रहे हैं यानी सचिन और हैदर सीमा के पीछे। हिंदू मुस्लिम की एक कहानी, वही पाकिस्तान जो बोला जाता है कि एक फिल्म आया था गद्दर और गद्दर 2, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई वाला उसमें वीडियो दिखाया गया था फिल्म में, वही कहानी सेम आज यानी गद्दर फिल्म की स्टोरी जो हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। उतना ही नहीं दोस्तों, और एक सवाल है आप लोग से और बताना चाहता हूँ कि वहाँ के कुछ पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर सीमा हैदर को वापस नहीं भेजोगे तो यहाँ के कुछ जो हिंदुस्तानी हैं हम उनको मारना चालू करेंगे। अपना आपको वीडियो मैं स्क्रीन पे शॉट पे लगा दिया हूँ, और देख सकते हैं वीडियो में किस तरह की वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं धमकी कि अगर हिंदुस्तान से सीमा हैदर नहीं आई तो हम लोग आतंक अपना चालू करेंगे। और इस कहानी के पीछे के ना एक मोड़ आता जा रहा है, जो सीमा हैदर है उसका भाई कुछ लोग बता रहे हैं ISI से ताल्लुक है, लेकिन वो सीमा बोलती है कि नहीं, मेरा भाई एक फौजी है, अभी वो वहाँ पे अभी ड्यूटी ज्वाइनिंग किए हैं, और मैं जो आई हूँ वहाँ से तो कुछ मैं अपनी ज़मीन, जो थोड़ी सी ज़मीन थी उसको मैं बेच के आई हूँ। लोग मुझे बता रहे हैं कि ये जासूस है, ये एक क्रिमिनल है, आतंकवादी है, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत तरह की वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। और मैं हिंदुस्तान में मोदी से आग्रह करिए, मोदी जी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से, कि मुझे थोड़ा सा शरण दे दीजिए, मैं जीऊँगी तो सचिन के साथ और मरूँगी तो सचिन के साथ। तमाम तरह की बातें निकल के आ रही है, आज वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ ये कहाँ तक सच्चाई है। इसमें दिखाया जा रहा है कि यानी सीमा हैदर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और गिरफ्तारी के बाद प्रशासन गिरफ्तार करके ले गई है, पूछताछ कर रही है, जिसमें 4-5 पासपोर्ट मिले हैं और 2-3 वीजा मिला है, और उनके पास एक PCR 2 पैसे मिले हैं, तमाम तरह की बातें मिली हैं, और उनके पास कितने गहना बिको है इसकी जांच चल रही है। तो ऐसे वीडियो में आप लोग बने रहिए, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी हम दिखाते हैं आप लोग को वीडियो सच्ची घटना पर आधारित क्राइम और शॉर्ट फिल्म के माध्यम से शूट करके दिखाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम दोस्तों।